सर यही कि करते तो वो भी गिर गए। आपके साथ आने से पहले ही यहाँ हमारा एक कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड जो हमारा आखिरी घर है वो लैंडस्लाइड की जद में आया। वहाँ पे 6-7 कब्रें थी, बाकी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बॉडी जो 13 साल कबल यहाँ दफन हो चुकी थी, उसका नाम था फजलद्दीन सना फतेह गुजर फतेह चौहान, उसको हमने रेस्क्यू किया क्योंकि वो नीचे जा रही थी, बॉडी नीचे जा रही थी। तो हमारे नौजवान ने, हमारी रेस्क्यू टीम जो यहाँ पे नौजवान है, मैं नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उसको रेस्क्यू करके दूसरी जगह उसको दफन किया। रात से 3 बजे से शुरू हुआ है और अभी तक ये रुकने का कोई नाम नहीं है। ज़मीन जो है वो चलती जा रही है आगे और जितने भी मकान है वो सारे डैमेज हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आपने देखा भी, बेवा एक है जो ब्लॉक संगलदान हल्का पंचायत दलवा अपर वार्ड नंबर 5 शेख महला मोड़ा डुक्सर आता है। तो कल रात 2 बजे से हमारे पास भी एक रिपोर्ट आई कि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई। तो कल सुबह ही हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे ये दोनों मकान जो थे बिल्कुल ज़मीन के नीचे दब चुके थे। तो मकामी लोगों ने यहाँ रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्होंने इनके बर्तन शर्तन जो भी माल मिश्र था उसको निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी एक मकान जो इसके इस साइड में है वो पूरा डस गया। उसमें जो भी लकड़ी वगैरह थी वो पूरी डैमेज हो चुकी और पूरा ज़मीन के अंदर डस गया। नहाय थी गरीब है और उसको मुआवजा देना चाहिए और बाकी भी जितने यहाँ पे जो ज़मींदार है इनको अपना हक मिलना चाहिए। इस वक्त जो है फिलहाल जो हम इमीडिएटली जो जिनका ये ज़्यादा नुकसान हुआ वो है 4-5 घर और ऐसे तो 9 मकान इस लैंडस्लाइड में आ रहे हैं, लेकिन 4-5 जो हैं जो बिल्कुल ही मुतासर हुए। आपके साथ आने से पहले ही यहाँ हमारा एक कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड जो हमारा आखिरी घर है वो लैंडस्लाइड की जद में आया। वहाँ पे 6-7 कब्रें थी, बाकी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बॉडी जो 13 साल कबल यहाँ दफन हो चुकी थी, उसका नाम था फजलद्दीन सना फतेह गुजर फतेह चौहान, उसको हमने रेस्क्यू किया क्योंकि वो नीचे जा रही थी, बॉडी नीचे जा रही थी। तो हमारे नौजवान ने, हमारी रेस्क्यू टीम जो यहाँ पे नौजवान है, मैं नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उसको रेस्क्यू करके दूसरी जगह उसको दफन किया।